वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नालंदा एकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम और बाकी क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, जिसमें हम संपूर्ण पॉलिटी यानी कि कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहने के पीछे का क्या कारण है, यानी राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? तो आपके ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो आपको मालूम है ये तो गलत ऑप्शन हो गया दोस्तों, क्योंकि कोई भी सदस्य अपना ऐसा नहीं है जो कि एक बार चुनने के बाद आजीवन के लिए चुन लिया गया हो, है ना। तो यहाँ पर ये तो पहला गलत ही हो गया, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये बात सही है, ये अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन इस कारण से जब अवकाश ग्रहण कर रहे हैं तो फिर स्थायी सदन कैसे हो गया, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हम ये बात जो लिखी है वो सही है, लेकिन उस कारण से इस बात से ये क्वेश्चन जो हमने पूछा वो गलत हो गया, है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट सही नहीं हो रहा है। इसके बाद जब ये दोनों गलत हो गए तो बी और सी जो ऑप्शन है, यानी कि बी और सी ऑप्शन, ये भी गलत हो गया हमारे, है ना। तो क्या सही बचा हमारा? तो हमारा सही ऑप्शन हुआ इसका बी। क्या सही हुआ दोस्तों? हमारा बी सही ऑप्शन हुआ, क्योंकि इसका जो सदन है इसे कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? इस सदन को कभी भी विघटित नहीं किया जाता। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? तो आपका इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही हुआ, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, दूसरा है, ये सही है, दूसरा आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, गलत है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये भी गलत है, अपने सभापति को अपदस्थ करना, ये भी गलत है। ठीक है, तो एकांतिक यानी कि एक इकलौती उसके पास हो सकती है, यानी कि उसमें इसका एक अधिकार है, ठीक है, मनोपली है राज्यसभा की उस चीज़ को करने के लिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसमें आपका दोस्तों ए ऑप्शन सही हुआ, यानी कि आपका इसमें ए ऑप्शन सही है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें? आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 या फिर 13 मई 1952। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है डी, 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले समूह के सेवानिवृत्ति कब हुई थी? ठीक है, राज्यसभा का जो पहला समूह था उसकी सेवानिवृत्ति कब हुई थी? अब आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने के लिए? 6 वर्ष के चुने जाते हैं, जिनमें से हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई मेंबर क्या होते हैं? अवकाश ले लेते हैं। हर दूसरे वर्ष अवकाश ले लेते हैं और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पहले सेवानिवृत्ति यानी पहले वो मेंबर जो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वो कब हुई थी, उनकी सेवानिवृत्ति कब हुई थी, आपको वो डेट बतानी है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर 1954, 2 अप्रैल 1954 और 9 जून 1955। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सी, 2 अप्रैल 1954, ये इसका सही ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हुआ सी, 2 अप्रैल 1954। यह वह दिन था जब पहले समूह के राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति या फिर हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वैसे तो कौन सा संविधान संशोधन से राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों के बढ़ाने से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से है वैसे नहीं है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो आपको वहाँ पे संविधान बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिसने संविधान संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया था। आपके ऑप्शन क्या क्या है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों 6वां संविधान संशोधन और 22वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 38वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन या फिर 11वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, 7वां एवं 21वां। तो 7वां संविधान संशोधन और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही हुआ? 7वां एंड 21वां, यानी 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों अमेंडमेंट इससे संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी उसे लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है,
उपराष्ट्रपति की सलाह पर, तो उपराष्ट्रपति तो गलत हो गया दोस्तों, है ना, उपराष्ट्रपति तो नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर ये भी नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है, ये दो बार लिख गया है, ठीक है, सलाह है, ये दो बार हो गई लाइन ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या सही होगा इसका, इसका सही आंसर होगा ए, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग कर सकता है, लेकिन कब, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि प्रधानमंत्री सलाह देता है, प्रधानमंत्री यदि कहता है कि उसे भंग करना है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बी, केवल लोकसभा। जो वित्तीय बिल होते हैं, जो धन कमीशन, जो धन विधेयक होते हैं, जो वित्त विधेयक होते हैं, तो कोई भी जो वित्तीय बिल होते हैं वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, और सिर्फ लोकसभा में पेश होते हैं पहले, या फिर राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। साथ ही इन्हें कोई सरकारी सदस्य ही पेश कर सकता है, इन्हें कोई निजी सदस्य पेश नहीं कर सकता, यानी इन्हें कोई मंत्री ही पेश करेगा, इन्हें कोई निजी सदस्य यानी कि सिर्फ जो सांसद है या राज्यों के जिसमें जो कोई विधायक है वो इन्हें पेश नहीं कर सकता, इन्हें वही व्यक्ति पेश करेगा जो सरकार में किसी सदस्य किसी भूमिका पर है, या सरकारी सदस्य है या मंत्री है, उसे वही इसको पास कर सकता है या इसको ला सकता है, कोई भी निजी सदस्य इसको नहीं ला सकता। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही हुआ, इसमें आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा करता है, इसके लिए उसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए। यानी कि लोकसभा में क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए, या लोकसभा में विपक्ष के दल का मान्यता रखने के लिए, विपक्षी दल की मान्यता रखने के लिए, या विपक्षी दल बनाने के लिए आपके पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, या कितने आपके पास सांसद होने चाहिए कम से कम, तब जाके आपको विपक्ष में लोकसभा का पद मिलता है, लोकसभा में आप विपक्ष के पद पर बैठ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए 55, बी 60, सी 65, या फिर डी 75। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए 55, यानी कि 55। यानी कि रूल ये कहता है कि जो भी सदस्य संख्या है, जो भी सीट संख्या है, टोटल सदस्य संख्या है लोकसभा की, टोटल सदस्य संख्या का कोरम, ठीक है, कोरम, टोटल सदस्य संख्या का कोरम, या फिर आप कह सकते हैं 1/10, ठीक है, 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी आप विपक्ष में बैठ सकते हैं। अब जैसे हमारी 552 सीटें हैं, ठीक है, तो हम 550 मानते हैं, तो 550 का 1/10 कितना हुआ, 55, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, 55 सीटें होने चाहिए। तो आपका सी बी सी डी ऑप्शन गलत हो गए, और सही ऑप्शन हो गया हमारा ए, यानी कि लोकसभा में विपक्षी दल का दावा करने के लिए लोकसभा उस दल के पास कम से कम 55 सीटें यानी कि 55 सांसद होने चाहिए, तभी वो लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा कर सकता है, विपक्षी दल कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले कौन थी, तो आपको मालूम ही, तो बी। तो हमें ये देखना है कि बी सबसे पहले कहाँ पे है, जिसमें बी है वही सही होगा, तो क्योंकि इसमें पहले नहीं है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो। अब ये कन्फर्म हो गया कि इन दो में से कोई एक आंसर सही होगा, ठीक है। अब बी के बाद हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी का कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आई थी, आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और उनके बाद फिर इंदिरा गांधी। तो हमें ये देखना है कि बी के बाद ए होना चाहिए, तो बी के बाद इसमें सी आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो कौन सा सही हो गया दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि बी के बाद ए आना चाहिए था और इसमें सी आ गया पहले, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही। यानी कि सही क्रम क्या था, तो सही क्रम हुआ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। तो आपका इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई थी, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ये भी हम अभी कुछ लेकर नहीं चल रहे, इसको हम अभी कन्फ्यूजन डाल देते हैं। अब हमारे पास बचे दो, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई का सरकार को पता ही होगा, मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या कहा था, अपना जो समर्थन था वो छीन लिया था या खींच लिया था, इस कारण से सरकार गिर गई थी। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो डी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो चौधरी चरण सिंह जी ने संसद सत्र में आए बिना ही, उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन दोस्तों सही है, चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस
ना होने पाए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। आपके ऑप्शन है 1954 में, 1961 में, 1963 में या फिर 1975 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी 1963 में, यानी स्वतंत्रता पश्चात पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वो लाया गया था 1963 में या फिर 1963 में। तो आपका सी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री यानी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं कौन कौन, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वी पी सिंह, आर वेंकट रमन, वी आर चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो हमें ये पता है कि डी तो था, ये हमें कंफर्म है कि प्रणब मुखर्जी तो थे। मान लीजिए हमें याद है कि बैंक जो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं वो तो वित्त मंत्री रहे हैं, तो हमें याद है। ठीक है, मनमोहन सिंह के जगह टाइम पे ये तो आपको याद ही होगा। तो अब हमें ये देखना है कि डी किस किस में है और किस में नहीं है। तो ये ऑप्शन में डी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, पहले ही हमें पता हो गया। अब ये तो हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हम देखेंगे और बाकियों के लोग। ठीक है, तो जिसमें डी नहीं हो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इनमें से कोई हो सकता है। तो हमें पता है कि आर वेंकट रमन भी रहे हैं, वाई वी चौहान भी रहे हैं, वी पी सिंह भी रहे हैं। ये सारे के सारे क्या रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसमें डी भी हो। तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अब हमें पता है कि आर वेंकट रमन रहे हैं तो है ना, तो हमें बी देख रहा था, तो बी इसमें नहीं था, लेकिन इसमें इसमें, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब क्या है कि ए भी रहे हैं, तो अब कहाँ में समझ में आ जाएगा कि चल अच्छा, यानी ए भी थे, बी भी थे और डी भी थे, तो वह सी भी रहे ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। क्या ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 1 2 3 4 चारों लोग क्या हैं, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष प्रत्यक्षी परीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। जो लोकसभा का सचिवालय होता है, जो सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है, वो किसके प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय बड़ा के क्वेश्चन सिंपल भाषा में पूछ रहा है कि जो लोकसभा का कार्यालय होता है वो किसके नियंत्रण में रहता है या किसके अंडर में रह के कार्य करता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या संसदीय मामलों का मंत्रालय। तो देखिए सीधी सी बात है, जब लोकसभा का सचिवालय है तो लोकसभा का अधिकारी कौन होता है उसमें, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ना तो वो प्रधानमंत्री के अंजर में होगा, ना ही वो गृहमंत्री के अंजर में, क्योंकि ये तो लोकसभा का काम है ही नहीं, ये तो कार्यकारी। क्योंकि देखिए लोकसभा अलग चीज़ हो जाती है और ये जो प्रधानमंत्री गृहमंत्री होते हैं कार्यकारी होते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव से होते हैं, कार्यपालिका के होते हैं अधिकारी होते हैं। तो ये काम तो देखेंगे नहीं, संसदीय मामलों का मंत्रालय भी कार्य देखेगा, तो कौन देखेगा, ये कार्य देखेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के नीचे कार्य कर रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जैसे नहीं है वो जिसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन है। ठीक है, प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन है। आपके ऑप्शन है बलराम जाखड़, जी वी मावलंका, सरदार हुकुम सिंह और के एस हेगड़े। ये के एस कैसा है, ये के और एस हेगड़े है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो आपका इसमें सही ऑप्शन है क्या, हमारा बी, जी वी मावलंकर। ठीक है, जी वी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की पद्धति क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो लिखी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। आपके ऑप्शन है ए, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। गलत है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल गलत है। तो इनमें से फिर कोई नहीं तो गलत हो ही गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन हुआ बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा वहां से हटाया जा सकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि के लिए निर्वाचित हुए नहीं हुए। ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष पर 2 बार दिया, 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए, जो कम से कम एक ही बार हुए, जो एक ही बार हुए हैं, जो 2 बार नहीं हुए आपको वो बताने हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन है बलराम जाखड़, ये तो 2, ठीक है, तो ये 2 बार हुए हैं। ठीक है, बाल योगी भी 2 बार हुए हैं, संजीव रेड्डी भी 2 बार हुए, तो अब बलराम भक्त जो है वो एक ही बार हुए हैं। तो
क्वेश्चन क्या था कि कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर दो बार अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए, तो बलराम भक्त जो है वो दो बार निर्वाचित नहीं हुए, तो आपका डी ऑप्शन इसमें से दोस्तों सही है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें और जल्दी से अपना सिलेक्शन लें, खुश रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।